हेलो गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि IoT ओ लेवल कोर्स में सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, राइट? और जैसे अदर सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से IoT में भी आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, या जो भी चीज़ें आपने IoT के रेफरेंस में स्टडी की हुई है, तो उनकी रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले, अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो कि IoT जो है के केस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है, राइट? तो गाइज, RETFUL API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट? तो RETFUL API दैट अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है? तो ये जो API होती है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MQTT स्टैंड फॉर, राइट? तो MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इट इज स्टैंड फॉर MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट? इट इज नोन एज MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। MQTT वॉज नोन एज MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एंड इट इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। MQTT इज प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पर डैश है, किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है, राइट? तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इट इज ए मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? क्या मतलब हो गया कि इट इज ए प्रोटोकॉल, MQTT इज ए प्रोटोकॉल, इज ए मशीन टू मशीन, राइट? एंड इंटरनेट ऑफ थिंग कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल, IoT कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल होता है, तो ध्यान रखिएगा मशीन टू मशीन IoT कनेक्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट, राइट? तो जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा है कि MQTT एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि MQTT इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल, राइट? तो ये क्वेश्चन तो आप फिर ले जाएंगे कि इनमें से कौन सा एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है MQTT, राइट? तो MQTT इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल दैट रन ऑन द टॉप ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट? आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर डैश है, उसके बाद स्पेसिफाइज द फंक्शंस दैट विल बी कॉल्ड व्हेन देयर इज अ न्यू मैसेज रिसीव फ्रॉम द चैनल, राइट? आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब कोई न्यू मैसेज चैनल से रिसीव होगा, राइट? कम्युनिकेशन चैनल से रिसीव होगा, व्हेन देयर इज अ न्यू मैसेज रिसीव फ्रॉम द चैनल, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉलबैक, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन, ये कॉल होता है, कॉलबैक स्पेसिफाइड फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन देयर इज अ न्यू मैसेज रिसीव फ्रॉम द चैनल, ये चीज याद रखिएगा कि जब कोई एक नया मैसेज चैनल से रिसीव होता है तो कॉलबैक specify the function that will be called, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिर does है यहाँ पर, specifies the function that will be called on an error event, जब कोई error event generate होती है तो उस समय कौन सा function call होता है, ठीक है? IoT system में जब कोई error event generate होती है तो उस समय कौन सा function call होता है, right?
जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, एरर इवेंट अगर जनरेट हो रही है तो एरर फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में भी देख पा रहे हैं कि एरर स्पेसिफाई द फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड ऑन एन एरर इवेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, डैश डैश है, फिर स्पेसिफाई द फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन ए सक्सेसफुल रीकनेक्शन इज कंप्लीटेड, राइट। सक्सेसफुल रीकनेक्शन इज कंप्लीटेड, जैसे डिवाइसेस है मान लीजिए वो रीकनेक्ट होती है, तो आफ्टर रीकनेक्शन कौन सा फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। तो रीकनेक्शन है तो रीकनेक्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में भी देख पा रहे हैं, रीकनेक्ट स्पेसिफाइड फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन ए सक्सेसफुल रीकनेक्शन इज कंप्लीटेड, राइट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, फिर डैश डैश है, स्पेसिफाई द फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन द क्लाइंट डिसकनेक्ट। आईओटी सिस्टम में जब कोई क्लाइंट डिसकनेक्ट होता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डिसकनेक्शन के लिए डिसकनेक्ट फंक्शन, ठीक है। डिसकनेक्ट स्पेसिफाई द फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन द क्लाइंट डिसकनेक्ट फ्रॉम द यह है सिस्टम फ्रॉम द PUNUB क्लाउड, या फिर जब कोई डिस्कनेक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स एक डिवाइस आईओटी सिस्टम में दूसरे डिवाइस से डिस्कनेक्ट होती है, तो ऐसे केसेस में डिस्कनेक्ट फंक्शन कॉल होता है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो गाइज यहां पर ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में 7 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है यहां पर देखें, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसे कि यहां पर सेंसर मिडलवेयर हो गया, क्लाउड डेटा स्टोरेज हो गया, शेड्यूलर हो गया, सर्विस डिलीवरी हो गया, एंड यूटिलिटी मैनेजर, एंड रिक्वेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, दीज आर 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट, इन द केस ऑफ ओपन आईओटी आर्किटेक्चर, राइट। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेंसर, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी, यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, configuration and monitoring, right? These are 7 types of element which exist the or you can say which makes an IoT open IoT architecture. Next question yahan par dekhe, so the huge number of devices connected to the Internet of Things, right, has to communicate automatically not via human, what is called, ठीक है, वॉट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ए नंबर ऑफ डिवाइसेस, लॉट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, राइट, और वो आपस में कम्युनिकेट करती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करती है। तो ये चीज क्या कही जाती है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या किस तरीके का कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है, तो गाइस दिस इज नोन एज मशीन टू मशीन, ठीक है। व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स, ईटीसी, राइट, टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ, देन दिस इज नोन एज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। जहां पर नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होती है वहां पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो आपस में कन्वर्सेशन करती है, आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, दिस इज नोन एज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, राइट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, ओके, तो एंड ऑफ द स्लाइड। तो आज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। और जैसा कि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरिट बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
जैसे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में, उसी तरीके से आईओटी में भी, राइट। तो इसलिए जैसे कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टडी करते हैं उसी तरीके से शॉर्ट नोट स्टडी करते हैं, उसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको एक नंबर मिलता है वो भी एकदम श्योर होता है, राइट। तो इसी तरीके से आगे जो भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, राइट। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।